हे गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कैंडुला रेडियंस पे। आज मैं आपको बताने वाली हूँ हम ऐसे कौन कौन से मिस्टेक्स करते हैं कि हमारे स्किन से पिंपल्स जाने का नाम ही नहीं लेते हैं और हमारे स्किन पे ही रहते हैं और होने भी और लगते हैं। तो आज हम उन्हीं गलतियों के बारे में बात करेंगे कि हम कौन कौन सी गलतियाँ कर देते हैं जिसके कारण पिंपल्स हमारे स्किन से जाते ही नहीं और जिद्दी बन के वहीं रह जाते हैं। उससे पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर बजाएगा कि आप मेरे वीडियो से अपडेट रहेंगे। और कमेंट्स करके अपने क्वेश्चन आप ज़रूर पूछ सकते हैं और वीडियो कैसा लगा ये भी बता सकते हैं क्योंकि ये आपका हक है। और शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को और फैमिलीज़ को और उन लोगों को जिनके स्किन पर पिंपल्स हैं और वो अपने मिस्टेक्स नहीं जानते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा बातें ना करते हुए इस वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा, नहीं तो आप कुछ समझ नहीं पाएंगे, ये मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। तो आइए, फर्स्ट मेरे मिस्टेक्स ये रहती है ज़्यादा जंक फूड खाना या तो ज़्यादा ऑयली खाने का भोजन करना। ज़्यादा जंक फूड मतलब कि बाहरी खाने जैसे गुपचुप, चाउमिन, सिंघारा, समोसे, फिर जाके बहुत सारी होते हैं चीज़ें जो हम खाते हैं, वो स्वाद तो बहुत देते हैं हमारे को, अच्छे भी लगते हैं, स्वादिष्ट भी लगते हैं, लेकिन वो हमारे स्किन के लिए और हमारे शरीर के लिए बहुत ख़राब होता है। तो आप इन सबको खाना बहुत कम कीजिए और ज़्यादा तेल मसाले के घर के भी खाने ना खाएं। मतलब कि घर पे खाना बनता है तो बहुत तेल मसाला का बन रहा है तो अपनी मम्मी से बोलिए कि कम तेल मसाला, ज़्यादा तेल मसाला का खाना खाने से हमारे स्किन पे पिंपल निकल जाते हैं। तो आप ये समझ जाइए अपने खान पान पे भी आपको ध्यान देना होगा। अगर आप सब कुछ करते हो, अगर खान पान पे ध्यान नहीं दोगे तो आपके पिंपल्स रह ही जाएंगे, तो ये एक होता है। दूसरा ये रहता है मिस्टेक कि बहुत सारे लोग अपने जिनकी स्किन ऑयली होती है उनके स्किन पर ज़्यादा ऑयल निकलता है, ज़्यादा पसीना गर्मियों में निकलता है, तो वो क्या करते हैं बार बार अपनी स्किन को फेस वॉश कर लेते हैं, तो ये बिल्कुल आपको नहीं करना है। इससे क्या होगा, आप ज़्यादा फेस वॉश करोगे तो आपकी स्किन वो जो है वो ड्राई हो जाएगी और ज़्यादा ड्राई होने के कारण भी स्किन पे पिंपल्स निकल जाते हैं। तो ये अगर आप नहीं जानते हो तो ज़रूर ये कीजिए, जब कम से कम दो ही बार फेस वॉश किया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 5-6-7-8 बार ये सब मत कीजिए, नहीं तो आपके पिंपल्स होंगे ही होंगे। तीसरा गलती ये होता है कि धूम्रपान या तो शराब जैसी चीज़ों का सेवन करने से भी स्किन पे पिंपल्स निकलते हैं। तो आप लड़की होंगी तो आप ये तो नहीं करते होंगे, लेकिन अगर आप लड़के हैं तो ये सब प्लीज़ छोड़ दीजिए, तो गंदी आदत भी होती है, साथ ही साथ आपके शरीर के लिए भी ख़राब होता है और साथ ही साथ आपकी स्किन के लिए भी। अगर आप शरीर से प्यार नहीं करते तो अपनी स्किन से तो सबको ही प्यार करता है क्योंकि वो सबके सामने फ्रंट रहता है, तो ये सब छोड़ दीजिए। थर्ड ये मिस्टेक रहती है कि हम लोग बाहर जाते हैं फिर क्या होता है, हम अपनी स्किन को कवर नहीं करते हैं, उसके कारण हमें सन हमारे पिंपल्स पे आते हैं और उससे हमारे पिंपल्स काफ़ी बड़े होने लगते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो आप क्या कीजिए, और अपनी स्किन की आप सफाई पुछाई नहीं करते, तो आप क्या कीजिए, थर्ड फोर्थ ये रहेगा कि आप जब भी बाहर जाएँ तो अपनी स्किन को कवर कर लें किसी भी स्कार्फ से या किसी भी चीज़ से कवर कर लें, स्टॉल से। और जैसे ही आप घर आएँ तो क्या कीजिए, आप अपने स्किन को वॉश कर लीजिए, फेस वॉश कर लीजिए उस वक्त, और आप स्किन का ख्याल रखें और उसकी सफाई पोछाई कर लें, जैसे आप घर की करते हैं वैसे अपने फेस के भी सफाई पोछाई कर लीजिएगा। फिफ्थ मिस्टेक ये होता है कि हम बहुत सारी चीज़ कॉस्मेटिक चीज़ यूज़ कर लेते हैं जो हम पे सूट भी नहीं करता है, सॉरी फाइफ्थ मिस्टेक। तो आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल करें तो अपने स्किन के टोन के हिसाब से करें, ये नहीं कि ये अच्छा फेस वॉश है तो किसी ने कहा ले लिया और ड्राई स्किन के लिए ये है तो मैंने ले लिया। तो आप ऑयली स्किन है तो आप ऑयली स्किन के ही प्रोडक्ट्स यूज़ करें। तो ये कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो थैंक यू, बीच में रुक गई थी, ये नहीं कि मैं बन रही थी। ओके बाय।